जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, हमें इन लोगों को हमारे घर में बिल्कुल भी आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर को तकलीफ़ों की ओर ले जा सकते हैं। हमारी परेशानियाँ पहले ही कम नहीं हैं और ये लोग हमारी परेशानियाँ बढ़ा सकते हैं। ये कौन लोग हैं जिन्हें आपको आपके घर में नहीं आने देना चाहिए? बहुत से लोगों से जब मेरी जातकों से बात होती है तो उसमें एक मोटे तौर पर ये बहुत हद तक ये बात बाहर आती है कि इन लोगों की वजह से ही एक अच्छे खासे जीवन में, एक अच्छे खासे वातावरण में नेगेटिविटी फैल जाती है और हमारा जो जीवन एक अच्छे तरीके से कटता रहता है उसमें कई सारी परेशानियां ये लोग डाल देते हैं। तो ये कौन चार लोग हैं, इनको हम कैसे एड्रेस करें? मतलब इनको पहले तो हमारे लिए ये प्रश्न खड़ा होगा कि इन्हें हम कैसे पहचानें, पहचान लें तो उसके बाद इनसे कैसे दूरियाँ बनाएं, और अगर हम किसी इनके जाल में, वर्तमान में फंस चुके हैं तो उससे भी हम कैसे बाहर आ सकते हैं। इस पूरे विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, आपको न डराना है, न ही आपको कोई गलत जानकारी देना है, सिर्फ आपको सही और सकारात्मक जानकारी मिले जिससे कि आपके जीवन में कोई भी तकलीफ या परेशानी से पहले आप खुद सजग होकर बच सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाओ उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे जो भी आपको अच्छा लगे, इससे भोलेनाथ का नाम भी आप ले पाएंगे और भगवान का नाम समीर कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात है, जिन लोगों को आपको घर में नहीं आ देना चाहिए वो लोग जिनका चरित्र सही नहीं है। हम हमारे लोगों के साथ रहते हैं, हमें पता लग जाता है कि किस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। चरित्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उसकी एक आदत और उसके स्वभाव में ही वो नकारात्मकता फैली रहेगी। वो हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक परिधान को, हर एक पूरे माहौल को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखता है, उसका नज़रिया ही अलग होता है, जैसे हम और आप नहीं बदल सकते। इसलिए ऐसे लोगों को आप एड्रेस कर लें, आपको पता है इनके बारे में, उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके उनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वो कभी ना कभी परेशानी में ज़रूर फंसने वाले हैं। क्योंकि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, ये बेशक वो हमेशा दुखी और दुख के गर्त में जाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। दूसरे वो लोग जो नशा और व्यसन करते हैं। नशा और व्यसन करने वाले लोगों को जब अपने शरीर की इतनी स्वास्थ्य के प्रति, इतने अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक नहीं है और वो नशे के इतने लत में डूब चुके हैं कि उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं, तो ये लोग हमारे घर को भी तकलीफ में डालेंगे, हमारी एक अच्छे खासे जीवन है उसको भी तकलीफ में डालेंगे। इसलिए कभी भी इस तरह की सिचुएशन से आप बच कर रहें। तीसरे वो लोग मदद, कई सारे लोगों की एक आदत पड़ जाए, देखिए जो बुजुर्ग हैं उसकी मदद करें, जो लाचार है उसकी मदद करें, जो वाकई में हकदार है उसकी मदद करें। पर अभी इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि जिनको मदद की वाकई में वो खुद से कर सकते हैं और वो आपके सहारे आकर मदद लेना चाहेंगे, बार बार आपके पास आएंगे, मदद लेंगे और वो उनको मदद, आपकी मदद लेने की एक आदत पड़ जाएगी। तो ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बायकॉट करें, क्योंकि आप अपनी मदद स्वयं करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे हम भी परेशान होते हैं और उन्हें भी एक मदद, जबरन की मदद के लिए एक लत पड़ चुकी है। तो ऐसे लोगों को ना आने दें। अच्छा लगा, लाइक करें, नमस्कार।